ये जो चित्र है आप सब देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी को आप भी नमन कीजिए और मैं भी नमन करता हूँ। आपने देखा होगा 1893 में स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो आए, तो शिकागो आकर उन्होंने हमारे सनातन धर्म की ध्वजा को जिस तरीके से पूरे विश्व में फहराया, वो अवर्णनीय है, वो अद्भुत है। आप सब जानते हैं पहली बार ऐसा हुआ कि जब शिकागो में सर्वधर्म सभा हो रही थी तो उसमें स्वामी विवेकानंद जी को पहले बार तो ऐसी कोशिश की जा रही थी कि वो बोल ना पाए, और जब वो बोलने के लिए उनको जैसे भी मौका मिला तो उन्होंने जो संबोधन किया, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमेशा अमेरिका में संबोधन सभा में किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, पर ये हमारे सभ्य सनातन धर्म का, जो सत्य सनातन धर्म का एक परिचय था, ये अद्भुत था। क्योंकि ये शब्द कहाँ से लिया स्वामी विवेकानंद जी ने, ये गीता से लिया, जहाँ पर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में एक कितना स्पष्ट वर्णन है, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा संसार एक ही परिवार है, श्री कृष्ण की संतान है। वो जो परिचय लेकर वहाँ से जो उन्होंने कहा माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक अद्भुत था। जब ये ऐसा बोला गया तो पूरे उस सभा में तालियों की गड़गड़ाहट सुनने को मिली, और स्वामी जी ने उन सब के लिए कहा कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इतने तहे दिल से मेरा स्वागत किया है। ये सभा हम सब के लिए, क्योंकि उस सभा में ये भी कहा गया था कि शांति का जो संदेश है वो पूर्व के देशों से आता है। पूर्व के देश कहाँ से? भारत से आता है। और वो क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। पूरे विश्व में शांति हो, पूरा विश्व मंगल में रहे, पूरा विश्व आनंद ले। क्योंकि ये पूरे विश्व में आप देखते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर कहीं कोई किसी को मार रहा है, कोई धर्म के नाम पे मार रहा है, कोई मजहब के नाम पे मार रहा है, कोई किसी नाम पे मार रहा है। ये जो कंडीशन बनी हुई है, स्वामी जी ने कहा कि मैं उस देश से आया हूँ जिस देश में सभी धर्मों के लोगों का स्वागत किया जाता है। पूरे विश्व में जहाँ भी जीव को सताया जाता है, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे मजहब के नाम पे, चाहे किसी के भी नाम पे, आपने देखा होगा इजराइल में जब रोम के कुछ लोगों के द्वारा इजरायलियों को सताया गया तो वो सब भारत के उस पवित्र धाम में, उस देश में पहुंचे जहाँ भारतवासियों ने आज भी उनकी सुरक्षा है। और स्वामी जी की चर्चा न करें ऐसा हो नहीं सकता। मुझे एक चीज़ याद आ रही है स्वामी जी की, स्वामी जी जब शिकागो आने वाले थे तो उस समय स्वामी जी के गुरुदेव रामचंद्र परमहंस जी नहीं थे, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं थे, तो अपनी गुरु माता से आशीर्वाद लेने के लिए वो गए। और जब गुरु माता जी से आशीर्वाद लेने गए तो माता से कहा कि मैं शिकागो जा रहा हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो माँ ने कहा कल आना, मैं तुम्हें कल आशीर्वाद दूंगी। स्वामी जी दूसरे दिन फिर गए और दूसरे दिन कहा माँ मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो माँ ने, माँ उस समय रसोई में कुछ काम कर रही थी, तो माँ ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी लेकिन एक काम करो, वहाँ जो रखा हुआ चाकू है वो चाकू मुझे दो। और उन्होंने, स्वामी जी ने वो चाकू दिया, और जब स्वामी जी ने चाकू दिया तो माता ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो, तुम सत्य सनातन धर्म का परिचय अवश्य फहराओगी, मेरा आशीर्वाद है। स्वामी जी से नहीं रहा गया। स्वामी जी ने पूछा माँ मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इस आशीर्वाद से चाकू देने का मतलब क्या है? तो माँ शारदा देवी ने इतना अच्छा जवाब दिया, माँ ने कहा पुत्र जब भी कोई किसी को चाकू देता है तो उसका जो नोक है उसको उसकी तरफ करता है जिसको देता है, तुमने मेरी तरफ किया है, इसका मतलब जानते हो, निश्चित तौर पर तुम सत्य सनातन धर्म का झंडा फहरा सकोगे, जो दूसरे को कभी दुख नहीं देता, जो दूसरे को दुख देने का विचार नहीं रखता, जो कभी किसी को तकलीफ देने की इच्छा नहीं रखता, वही इस सत्य सनातन धर्म का परिचय झंडा फहरा सकता है, दुनिया को परिचय दे सकता है। मेरे भाई बहन, मैं शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी के यहाँ से, जहाँ पर सब दुनिया जानती है स्वामी विवेकानंद जी का नाम, हमारे देश में भी कुछ लोग स्वामी विवेकानंद जी के नाम से कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन विवेकानंद जी से सीखते कुछ नहीं है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, स्वामी जी ने जो युवाओं को उद्बोधन दिया, छोटी सी उम्र में स्वामी जी चले गए लेकिन आज तक हम लोगों के दिलों में मौजूद हैं। क्या कहा? उठो, जागो, आगे बढ़ो, ये सोने का वक्त नहीं है। निश्चित बात यह है कि अगर हम अपना समय सोने में व्यतीत कर देंगे, उठेंगे नहीं, जगेंगे नहीं, तो कैसे काम करेंगे?
आत्मा न मरती है न मारती है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी। विवेकानंद जी की बात करने वाले लोगों को यह जान लेना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था सेवा ही परमो धर्म, सेवा करो। जीवन में जितना भी मौका मिले, चाहे धन से चाहे पद से, आपके पास जो भी कुछ है उससे सेवा कीजिए। हम एक दूसरे की सेवा करने के लिए, पूरे विश्व की सेवा करने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़े, यही आप सबसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।